दोस्तों आप सब कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं तफज्जुल हुसैन और मेरा साथ एहसान भाई है। दोस्तों एक वीडियो आप सभी का सामने शेयर कर रहा हूँ। अभी हजारों लोग लाखों लोगों ने सवाल कर रहा है सरफराज खान के ऊपर, और एक भाई ने बहुत अच्छा वीडियो किया, इनका बात सुनो और बीसीसीआई को ये बात सुनना ही चाहिए। नाइंसाफी की हद होता है इतना जो है वो हम बात करते हैं। एहसान भाई का राय जो भी लास्ट में हम बताते हैं, पहले सुन लेते हैं ये वीडियो क्या है। सेकंड इंग्लैंड टेस्ट टीम में जुड़ गया है सरफराज खान, और ये वही सरफराज खान है जो आरसीबी की तरफ से खेलते होंगे, और इनका पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए और बीसीसीआई की ऐसा ठेलाई करेंगे। 45 मैच अभी तक खेला है सरफराज खान ने, इनिंग 66, रन 3912 और हाईएस्ट स्कोर 13 सेंचुरी मार चुका है ये जवान। गुमनामी के अंधेरे में कहीं खोया हुआ था रे बीसीसीआई दल, तुम लोग मुसलमान की वजह से नहीं खेला रहे थे क्या रे? एक मुसलमान तो अर्जुन अवार्ड जीतता है ना, मोहम्मद शमी फाइनल तक पहुंचाता है, क्यों इसको नजरअंदाज किया गया था? सुमन गिल को खिलाओगे क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर के बेटी के साथ जो है क्या बताए, इसका पुराना पारी देखो सुमन गिल और श्रेयस अय्यर का कैसा पारी खेला है, कितना 10 पारी में देख लो 3-4-0-0 लहसुन एल डिश डेट। यह परफॉर्मेंस में सुमन गिल को फिर से चांस दिया गया है और सरफराज खान को भी चांस दिया गया है। इतना दिन से कहां था सरफराज खान बताओ? सरफराज खान का पिता जो है अपने दोनों बेटे के साथ जो है जाकर उसको खिलाते थे घुमाते थे, बताइए। ऐसे प्लेयर को नजरअंदाज किया गया है, इतना इनका इनका एवरेज देखिए, इनका एवरेज है आपको 68 के एवरेज से रन बनाया है और 11 को 50 और 14 को सेंचुरी, बाप रे बाप। सरफराज खान को आज टीम में शामिल किया गया है पूरा का पूरा रिलाई करवाने के बाद, क्यों नजरअंदाज करता है बीसीसीआई? क्या अमित शाह का बेटा जो है ये नजरअंदाज करता है तुमको? तुमको तो क्रिकेट का कुछ कम मालूम है नहीं, तुमको सिलेक्टर को फालतू फालतू बोलना है। सरफराज खान ये टैलेंट लेके और भी बहुत सारा, अभी इनका जो है ना 161 रन एक मैच में बनाए थे ये, 18 को 4, 5 को 6 और इनके फादर का फोटो है, इनके दोनों बेटा को फादर खुद स्टेडियम में छोड़ने जाते थे, बड़ा ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। और आरसीबी की तरफ से ये खेलते हुए नजर पहले आते थे आरसीबी के रॉयल चैलेंज बैंगलोर में सरफराज खान, और इनको अब जाके दूसरा टेस्ट मैच में मौका मिला है। तो बीसीसीआई ऐसा क्यों करता है, कैसे चयन होता है, क्या सिर्फ मेरिट के आधार पर चयन नहीं होता क्या? ये 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 सुमन गिल को क्यों खिलाया जा रहा है भाई, इतना मौका पे मौका क्यों दे दिया जा रहा है भाई, बताइए। सचिन तेंदुलकर की वजह से, सचिन तेंदुलकर का बेटा भी सचिन तेंदुलकर के जैसा बराबरी करेगा क्या? सचिन तेंदुलकर के साथ कितना नाम जुड़ा हुआ है बताइए, ये तो पैरवी, ये तो भाई देश के लिए बड़ी खतरनाक बात है। टैलेंट सड़क पे सड़े और बिना टैलेंट वाला खेलते जा रहे, खेलते जा रहे, मौका दिए जा रहे हो, मौका दिए जा रहे हो। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल का देखिए ना पारी, आप पिछला 10 पारी का, क्या ये टीम में डिजर्व करते इतना? देश भाई 140 करोड़ लोगों का है, अपना खून पसीना बहा के जो प्रतिभाशील व्यक्ति उसको क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? मुसलमान विरोधी है मुसलमान, हमको खुशी हुआ सरफराज खान, अरे भाई क्या टैलेंट है इसमें, आईपीएल में भी वैसा ही खेलता है, वनडे टीम में भी कभी नहीं शामिल किया गया इसको, निकाल देते हो बार बार अच्छा प्रदर्शन। एक आदमी को तो मौका पे मौका दिए जाओ, मौका पे मौका दिए जाओ मौका, और ये सरफराज खान एक दो मैच में खराब खेला बाहर कर दिए। कितना दिन से सरफराज खान का नाम आप भी नहीं सुने, आप बताइए, सुना है आपने सरफराज खान नाम? सेकंड टेस्ट मैच में इनको शामिल किया गया है जब इंग्लैंड से पूरा बुरा तरीके से रेला गए हैं तब, और ये बंदा इनका पारी यार बताओ 13 सेंचुरी मार चुका है ये जवान, और ये इनको टेस्ट मैच में अभी तक ये कितना टेस्ट खेला है, 45 को टेस्ट मात्र खेला ये जवान, मात्र 45 टेस्ट इसको खिलाया गया है, और 45 टेस्ट में 66 इनिंग में 4000 करीब में रन बना चुके हैं और 301 हाईएस्ट एवरेज में देखिए 68 का एवरेज है, लगभग 69 का और 11 को 50 और 14 को सेंचुरी। तो बाहर क्यों रखे थे हराम जादो, बाहर क्यों रखे थे इसको, ये आज टीम में शामिल करना पड़ा है, क्यों बाहर रखे थे? हमको ये जवाब चाहिए कि सरफराज खान को इंडियन टीम से बाहर क्यों रखा गया था और सुमन गिल को अंदर क्यों रखा गया है? सही है, बच्चा पैदा नहीं कर लेगा सारा। आप थोड़ा कहो क्या कहना चाहोगे, इंसाफ हो रहा है क्या? नहीं, ये बात ना इंसाफी है, गलत है, ये सिर्फ मुसलमान होने के नाते ऐसा किया जा रहा, रखा जा रहा है राजनीति के चक्कर में, सिर्फ राजनीति। अमित शाह के बेटा का क्या टैलेंट है? अमित शाह के बेटे को कोई टैलेंट नहीं, हो तो अभी क्रिकेट का नहीं जानता, खाली बस उसको बना दिया है बीसीसीआई का चेयरमैन, क्योंकि यहाँ तो परिवारवाद चलता है ना, परिवारवाद में जो कोई ना कोई बड़ी पोस्ट पे बिठाओ, तो ये हो रहा है ना अभी, यही बीजेपी की राजनीति है। आखिर में इनको दिया गया, इतना बढ़िया खेल रहा है शुभमन गिल का लास्ट पारी देखो, श्रेयस अय्यर का लास्ट पारी देखो, कुछ भी नहीं है, फिर इन लोग का खेलों का खेल ऊपर दे रहे, और ये बेचारे टैलेंट लेके बैठा है उनको क्या? यही चीज तो बोल रहा हूँ ना कि एक मुसलमान ही तो खड़ा होके पूरा एम्पायर साधे हुए है, अर्जुन अवार्ड ले गया, शमी कैसा है बताओ ना आप हमको, बिल्कुल है? तो फिर मुसलमान को क्यों नहीं चांस दिया जा रहा, जब मुसलमान आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे कर रहा है, है? मुसलमान तो कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहा, नहीं कर रहा भाई, कि नहीं हम भाई मुसलमान हैं, हम नहीं खेलेंगे हिंदू के साथ, है? ऐसा तो नहीं। अभी इनका भाई भी एक है मोहसिन खान, वो भी टैलेंट दिखा रहा है, अभी आपको पता है वो
मतलब बहुत बेहतरीन एक बैट्समैन आने वाला है वो, उनका भाई भी दो दो शतक लगा दिया अंडर 19 का वर्ल्ड कप पर। इंशाल्लाह करेगा, आगे करेगा। ठीक है दोस्तों, उतना ही था। ये भाई ने बहुत अच्छा बात किया है, इनको हम लोग सपोर्ट करना चाहिए। इनका चैनल उससे हम वीडियो उठाया, फेसबुक में वायरल बहुत हुआ, इसीलिए ये वीडियो आप सभी का सामने रखा हूँ। आपका क्या राय है? सुमन गिल को अंदर क्यों रखा गया है? जब तक वो बच्चा पैदा नहीं कर लेगा सारा खान के साथ, ये सारा तेंदुलकर के साथ, तब तक खिलाते रहो क्या टीम में? हमारे लिए कोई परमानेंट हीरो नहीं है, जो खेलते रहेगा उसको हीरो मानेंगे। जो खेल गया हीरो बना दिए, भगवान बना दिए, अब उसका कोई काम नहीं है। मैच्योरिटी चाहिए। अच्छा खेल दिए तो आपके नाम के वजह से भिकमंगा निकम्मा को भी ढोते रहेंगे टीम में। सबसे पहले अमित शाह का बेटा को निकालो, इस अच्छी पति बनने लायक नहीं है। सरफराज खान को सेकेंड टेस्ट मैच में शामिल किया गया है, बहुत खुशी की बात है। और इनके संघर्षों की कहानी पहले पढ़ा हूँ, फिर वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ हूँ। बहुत बढ़िया, सरफराज खान बहुत गुड खिलाड़ी है, एवरेज देख के भी पता चलता है, और पिताजी का इनका संघर्ष वाला कहानी सुन के भी पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।